भारत के बाजारों में आपने देखा होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन फलों की दुकानों में केलों के गुच्छे न दिखाई पड़े हों। तो केलों के पौधे को भी लगाने के लिए 365 में से कोई भी दिन में लगा सकते हो। इस पौधे में यह खासियत है, अगर एक बार आप इसे जमीन पर लगा दें तो एक साल बाद ये फल तो देगा, उसके बाद आपको काटना भी पड़ेगा। पर खासियत ये है, जब एक बार आपने इसको काट दिया तो अगला पौधा इसकी जड़ों में से अपने आप निकलेगा अगले साल के लिए। तो केले के पौधे को लगाया किस तरह जाए, A to Z पूरी की पूरी जानकारी, चाहे आपने इसको अपने घर के गमले में लगाना हो या फिर अपने किसी जमीन के टुकड़े पर। इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो है कि आपको कोई छोटा पौधा मिल जाए, उसकी कटिंग मिल जाए तो चलेगा, या फिर आपको इसकी कंद की जरूरत होगी। इस पौधे की जड़ें एक कंद के रूप में होती है, जैसे आलू की शेप होती है इसी तरह की इसकी कंद बनती है, इसकी गांठ बनती है, तो उसके बाद उस कंद में से इसकी जड़ें निकलती हैं। इस पौधे की आदत ये है, ये खाता बहुत है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। पानी आप ज़्यादा देने लग गए पर समस्या यहाँ आ जाती है, अगर वहाँ पर चीकड़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो मिट्टी है, मिट्टी हमने दोमट मिट्टी का उपयोग करना है, जहाँ से पानी ऊपर से डाला तो साथ ही साथ वो नीचे से निकलता गया। पौधा मिट्टी में लगने से पहले या फिर इसकी कंद मिट्टी में लगने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें पहले कोई जीव जंतु ना रहता हो, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीटाणु ना रहते हो, उनकी अपनी एक कॉलोनी बन जाती है मिट्टी में। तो मिट्टी की गुड़ाई की जाती है, मिट्टी की अच्छी पलटाई की जाती है, ताकि जो पहले कीटाणु जीव की कॉलोनी रहती है उसको हटाया जाए। जो भी पौधे काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं उनकी जड़ें भी उतनी गहराई तक जाती हैं। एक बार जड़ें ज़्यादा गहराई में चली गई, वहाँ जो भी उन्हें खाना मिला वो खाएंगे, अगर नहीं पड़ा हुआ तो की ग्रोथ में कमी दिखाई पड़ेगी। तो पौधा मिट्टी में गाड़ने से पहले ही हमें इसमें खाद डालनी होती है। तो किसान इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद को मिट्टी में मिला देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा खासा पौधा हो और ज़मीन की मिट्टी भी उसी के मुताबिक हो और उसमें भरपूर खाद भी मिलाई गई हो, और मौसम की बात करें, इसको कोई भी मौसम में लगा सकते हैं। इसका क्लाइमेट 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर होता है, जो भारत में सभी जगह मिलता है, सभी समय पर मिल ही जाता है। फिर भी सभी चीज़ें सही से दिखाई पड़ रही हैं, पर पौधे को मिट्टी में लगाने से पहले एक और बात को ध्यान में रखा जाता है। आज का दिन भले ही इस पौधे के लिए सही हो लगाना, पर हमें यह देखना होता है कि जब ये फूल बनाएगा उस समय क्या वातावरण होगा। अगर आज ये पौधा लगाने के बाद 8 महीने जब ये फूल दिखाएगा, तब वातावरण अगर ज़्यादा ठंडा हुआ, जिस तरह उत्तर भारत में दिसंबर के महीने में काफ़ी ठंड पड़ती है, अगर वो वातावरण इसके साथ में महीने में आता है, तो फूल दिखाने के समय यह फूल को गिरा देगा और उससे फल नहीं बन पाएगा। उगने को यह हर एक महीने में उगाया जा सकता है, पर इसको उत्तर भारत में 7वें, 8वें और 9वें महीने में लगाया जाता है। अगर 7वें महीने के इसको लगाते हैं तो इसका फूल फरवरी और मार्च में बनना शुरू होता है। अगर इसको 5वें महीने में लगा दिया जाए तो इसका फूल दिसंबर के महीने में शुरू होगा, और दिसंबर के महीने में ज़्यादा ठंड होने के कारण ये फूल उसी समय मर जाते हैं। ये तो रहा साधारण तरीका, पर अगर कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है इसमें, अगर वो 5वें महीने पर इसको लगा देता है, तो वो कुछ इनके पोषकों का परिवर्तन करके इसकी उम्र घटा सकता है। एक खाद का तत्व है जो इसकी शारीरिक रूप से ग्रोथ करता है, और दूसरी खाद के तत्व से इसकी मानसिक, इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो उसको ऐसी खाद देगा जिससे इसकी ग्रोथ तो बनी रहे पर इसमें जवानी ना उभरे। तो इसकी जवानी 2-3 महीने और लेट कर देता है वो। ये सभी चीज़ें खाद के तत्वों को बढ़ा घटा कर सकते हैं हम। आपने देखा होगा कुछ नौजवान 22 के उम्र में भी बच्चों की मानसिकता रखते हैं, और कुछ बच्चे 15-16 साल की उम्र में ही फूल फल दिखाना शुरू कर देते हैं। जब केले के पौधे को गमले में लगाने की बात की जाती है,
तो कम से कम 24 इंच का गमला या फिर बेहतर होगा कि 30 इंच का गमला, जिसमें यह 8-10 फीट का पौधा अपनी जड़ें अच्छे से फैला सके। गमले के बजाय अगर आप ग्रो बैग का यूज करते हो, ये काफी हल्का भी रहता है एक गमले से और काफी सस्ता भी हो जाता है, जो कि खासकर बनाया ही फलों और सब्जियों के लिए है जिसमें ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है। ग्रो बैग को सस्ते दामों में खरीदने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखाई दिया होगा आपको, उस नंबर से आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मिट्टी में पौधा लगने के बाद 11वें महीने में इसका हमने फल तोड़ना है, और उसके बीच में जो ये 11 महीने का सफ़र है, इसमें हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान में रखना है कि इसको क्या खाना पीना दिया जाए। ये 1 फीट का पौधा 10 फीट तक जाएगा, जिसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोला जाता है, पौधे की तने की ग्रोथ, इनके पत्तियों की ग्रोथ, तब तक इसको NPK खाद दी जाती है। जब इसने अपनी पूरी हाइट निकाल ली, तो इसकी मोटाई के लिए, तने की मजबूती के लिए, जड़ों के फैलाव के लिए नाइट्रोजन को छोड़ते हुए ओनली PK, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम खाद दी जाती है। वो ये लंबे डंडे को मजबूत करता जाएगा। जब समय आ जाता है इसके फलों का, इसके पहले फूलों का, उस समय पर फूल और फल के समय में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को छोड़ते हुए सिर्फ के पोटेशियम खाद दी जाती है, जो फलों में अपना टेस्ट डालता है। N और P इसकी ग्रोथ में काम आती है। एक पौधा लगभग 40 से 60 किलो तक फल निकालता है। एक बार केलों के गुच्छे के निकलने के बाद उसी तने में से दोबारा अगले साल नहीं फल आएगा, पर आप पाओगे कि इसकी जड़ों के पास से छोटे छोटे केलों के तने बाहर से आ रहे हैं, 4-4, 5-5 पत्ते लेकर। तो उस बड़े तने को काट दिया जाता है जहां से आपने केलों के गुच्छे निकाल लिए, और इसकी जड़ों में से छोटे छोटे जो पौधे आ रहे हैं उनमें से एक पौधा रख लिया जाता है। बाकियों को आप कटिंग बना सकते हो या फिर उन्हें निकाल कर मल्चिंग के रूप में यूज किया जाता है। छोटा तना अगले 12 महीने में आपको फल देगा। एक बार वही प्रक्रिया अपनाकर उसके छोटे तने को बढ़ने दिया जाता है, और 3-4 साल बाद चलाने के बाद इसको पूरी तरह से काट कर नया पौधा लगाना होता है। इस तरह इसका चक्र चलता है। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा।